आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राजकुमार शर्मा आज सोनीपत में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे। मीटिंग के उपरांत चाय प्रोग्राम के दौरान राजकुमार शर्मा शिक्षा सेल के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अंतिल के बहलगढ़ स्थित कार्यालय पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर मास्टर सत्यनारायण अंतिल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार शर्मा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने और भिवानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की होने वाली रैली के लिए जिम्मेदारियाँ तय की गयी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में चाहे पार्टी की हार हो गई हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां काफी मेहनत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में गठबंधन और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान आपके सफाए पर खुलकर बात की। जय हिंद साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मेरा सोनीपत में आना हुआ, उसका एक मेन कारण था। सुबह हम सारे जितने भी साथी सोनीपत टीम थी सब वहाँ कोर्ट के सामने हमारा जो हनुमान मंदिर के अंदर प्रोग्राम था सारे इकट्ठे हुए, और मेन विषय जो हमारा इकट्ठा होने का था पार्टी को और मजबूत करना, संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना। जो हमने ग्राम पंचायत बनाई थी उसको रिवाइज करना, जो जिले की कमेटी है, प्रदेश की कमेटी है, जो हमारे विंग्स हैं सबको अच्छी तरह से तैयार करना, उसके ऊपर हमने आज काम किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और उसके बाद जल्दी जल्दी मीटिंग यहाँ होती रहेंगी ताकि हम ग्रास रूट तक पूरे ग्रास रूट में जा सकें। उसके साथ साथ 30 तारीख को हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी दादरी में आ रही हूँ, एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करूँ। उस रैली पर भी हमने सभी साथियों से चर्चा करी, सारे साथियों में हर्षोल्लास है, हजारों की संख्या में सोनीपत से ऐसे लोग आए हैं, सबने ऐसा आश्वासन दिया और सभी साथियों ने अपनी बैठ कर एक सलाह बनाई है और उसके लिए तैयारी की है, कैसे जाना है उसके ऊपर आप विचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, एक सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसमें भी हार हुई, तो किस प्रकार से देखते हैं, क्या कारण रहे? सबसे पहले जब चुनाव स्टार्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हरियाणा में 10 में 10 सीट जीतेंगे, इस गठबंधन से 10 की विजय 5 पर आएगी, एक सीट हमें मिली, बाकी 9 सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल समन्वय में एक दूसरे के साथ मिलकर एकता के साथ इस चुनाव को फाइट किया, उसका अच्छा रिजल्ट आया। गठबंधन में हमने 5 सीटें जीती, कुरुक्षेत्र की मात्र सीट हमारी 29 हजार वोटों से। जी, लेकिन जिस प्रकार के परिणाम आए और उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, तो क्या गठबंधन में आगे विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा 90 की 90 सीटों पर? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, इसका निर्णय केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी कर सकते हैं। छोटे नेता अपने बयानबाजी कुछ भी करते रहो, वो निरर्थक होती है, सार्थक नहीं होती। पीछे भी बयानबाजी चलती रही, गठबंधन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन हुआ, पूरे देश में अच्छा चला हो, तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि 400 पार हम लेके जाएंगे, 240 करोड़ पर इंडिया गठबंधन का कमाल तो था। जी जी, और जो अगला इलेक्शन विधानसभा का होना है उस पर आखिरी निर्णय केजरीवाल जी करेंगे, वो निर्णय मान्य होगा। हमारा दायित्व व हमारा कर्तव्य यही बनता है, सारे साथी मिलजुल कर एकजुटता से पार्टी को मजबूत करें और जो हमने कमेटियाँ बनाई उनको दुरुस्त करें, और जो 1 लाख लोग इस रैली में जाएंगे 30 तारीख के बाद हरियाणा में नज़ारा कुछ और नजर आएगा। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से सफाया हुआ है आम आदमी पार्टी का अच्छे कार्य करने के बावजूद भी, तो उसका क्या आपको लगता है कि असर? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, हो सकता है दिल्ली के लोगों की सोच कुछ और रही हो, और दिल्ली के लोग केजरीवाल जी को दिल्ली में अच्छा समझते हो, ऊपर नरेंद्र मोदी जी का अच्छा समझते हो, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं दिल्ली में, उनके बारे में विस्तार से ना कहूँ तो मैं अच्छा रहे जी। दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोग हैं। लेकिन संगठन, आप मंत्री हैं तो संगठन का आपका चार्ज है आपके पास, तो हरियाणा में टिकटों का वितरण या किस तरह से रहेगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा, 3 महीने का समय है, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी का रहेगा? हमने अब 90 दिन के अंदर लगभग 100 दिन हमने काम करा,
अच्छा वॉलंटियर जो काम करके रेसिंग आगे निकलेगा, पार्टी उस पर विश्वास जताएगी। कितना इस पार्टी के अंदर सिफारिश की जरूरत नहीं होती, कैंडिडेट खुद सिफारिश होता है, चाहे पंजाब में इलेक्शन रहा हो चाहे दिल्ली का इलेक्शन रहा हो, हरियाणा में भी वही होगा। कैंडिडेट अपनी मेहनत करेगा, उसकी मेहनत सार्थक नजर पार्टी को आएगी तो पार्टी ऑटोमेटिक उसके ऊपर विश्वास जताएगी। कितना आप भरोसा दिलाते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पैराशूट से कैंडिडेट नहीं आएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमारे संगठन की पहले भी बात हुई है, पार्टी संगठन के व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास करती है, कोई 2-4-5% चाहते ही आते हैं, उनकी बात को चला जी। यानी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी या कुछ आप? आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 से 90 सीटों पर अपने आप को मजबूत करेगी। संगठन का हम काम कर रहे हैं, जो आगे गठबंधन होगा या ना होगा उसका निर्णय केजरीवाल जी के हाथ में, जो आदेश करेंगे। इस दौरान आपके शिक्षा सेल के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अंतिल ने संगठन मंत्री का स्वागत करते हुए कुरुक्षेत्र में 4 हलकों में अच्छे प्रदर्शन का जिक्र किया और विधानसभा चुनाव में पैराशूट से आने वाले उम्मीदवारों के बीच राय से टिकट मिलने के भरोसे के सवाल पर कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, बाकी निर्णय पार्टी नेतृत्व ने करना है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने किसी और पर भरोसा जताया तो वे उनका साथ देंगे। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके कार्यालय पर मौजूद रहे। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने सोनीपत भी बताया कि कई पार्टियों ने काम भी किया है और जितनी बातें अब आपके चैनल पर बताई हैं ये बिल्कुल सत्य है कि गठबंधन रहेगा या ना रहेगा केजरीवाल जी करेंगे। संगठन मंत्री का सोनीपत आगमन पर बहुत जोश बढ़ेगा और समय समय पर और भी गाइडेंस करेंगे और हम कार्यकर्ता या पदाधिकारी सभी इनकी बातों को जो है लागू करेंगे, धरातल पर जाकर बूथ को जो है मजबूत करेंगे। और हारे नहीं हैं, 4 विधानसभा जीते हैं, वहां पर 2 विधानसभा मात्र थोड़ी वोटों से, 1 विधानसभा पे तो 29 वोटों से ही जो है हार गए हम, और 3-2 पे थोड़ी ही सैर थे, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है अंतर रह गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं। 5,13,154 वोट लिए हैं, ये इतिहास है, पहली बार कोई पार्टी लड़े और 1 लोकसभा में 5,13,154 और 2 बार का सांसद था, पैसे के माध्यम से भी बहुत ज्यादा था और पॉपुलरिटी भी थी और 3 पार्टियों का सफाया कर दिया, चौटाला, जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी, 3 का सफाया कर दिया, तो आप कहाँ हारे जी। लगातार आप आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हो सोनीपत और राई में, तो आपको कितना भरोसा है कि पार्टी आपके ऊपर मोहर लगाएगी, आपको टिकट देगी? अभी संगठन मंत्री जी ने बताया कि ये पार्टी एक ऐसी है, सिफारिश नहीं चलती, यहाँ कार्य चलता है और कार्य सत्यनारायण पूरा कर रहा है, पूरे जिले ने पता है, इधर राय विधानसभा में क्या पूरे जिले में हम मेहनत कर रहे और सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं नहीं, सभी कार्यकर्ता, और उसमें एक छटनी अपने आप हो जाए। हमें इन पर जो है बहुत ज्यादा विश्वास है, पार्टी पर बहुत विश्वास है, संदीप जी पर बहुत विश्वास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उन पर बहुत विश्वास है, गांडा जी पर बहुत विश्वास है, सारे जो उच्च लेवल के नेता हैं सभी पर विश्वास है। और फिर भी पार्टी अगर सत्यनारायण को नहीं चुनती है तो और को चुन लेगी, क्या दिक्कत है, हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जो है अपनी औकात से ऊपर होकर काम किया। 5 मार्च को मैंने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद निरंतर जो है हम कार्य कर रहे हैं और पूरा समय दे रहा हूं, और फिर भी पार्टी कोई आदेश करती है कि भाई आप आगे देख लेना या फिर कर लेना या वो कर लेना, वो मान लेना। और हमारे आदरणीय जो है संगठन मंत्री जी आए, मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी कार्यकर्ता आज सुबह से ही जो है हम 8 बजे के यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारी मीटिंग थी,
उसमें भी जितने जो भी शामिल हुए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और ये मेरे कई साथी और आए हैं इनका भी आभार। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।